नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज आपको अगर बारिश आपके घर पे अचानक आ जाती है और उसके बारे में आपको पता लगाना है कि तो बारिश आ गई है, तो इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए आइटम बताने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट ये काम कैसे करता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊं। इसमें ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC548, दूसरा एक ट्रांजिस्टर है 369, ये बजर लगा हुआ है यहाँ। ये हमारी ऊपर की जो लाइन है ये पॉजिटिव लाइन है, रेड कलर से शो की हुई है मैंने। दो इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई हैं 220 के और 220 के। 0.04 का PF लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे दो वायर आएंगे जो सीधे छत के ऊपर चले जाएंगे और इससे ये लग। तो भाई तो ये जो है आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और यहाँ 9 वोल्ट की DC बैटरी लगेगी आपकी। ये काम कैसे करता है, जब ये दोनों तारों के ऊपर बारिश आ जाती है तो दोनों तार आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये इस ट्रांजिस्टर पे प्लस करंट पहुंच जाता है और इस पर पहुंचने के बाद इस पर पहुंचता है और ये हमारा 369 जो ट्रांजिस्टर है ये एज ए स्विच काम करता है। बजर पर प्लस आने के बाद बजर बीप देने लगता है और इस तरह हमारा सर्किट काम करता है। बजर में प्लस और माइनस दोनों इंडिकेट होते हैं, इसलिए उल्टा लग जाने पर बजर नहीं बजेगा और खराब होने का अंदेशा भी है। तो इसलिए बजर लगाते समय सावधानी रखनी चाहिए कि ये प्लस माइनस उल्टा ना लग जाए। रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता, इधर से लगा लें या आप इधर से लगा लें। PF में भी कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो ये रेजिस्टेंस, ये PF, ये भी रेजिस्टेंस, इन्हें आप चाहे जैसा लगा लें लेकिन बजर को प्लस माइनस देख कर ही लाएं। ट्रांजिस्टर का बेस, बीच का पोल बेस होता है और एमीटर कलेक्टर ट्रांजिस्टर में होते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया था वैसे ही इस सर्किट को बनाया गया है। ये बजर आपने यहाँ लगाया है, 369 ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, PF यहाँ पर है, रेजिस्टेंस और ये दूसरी रेजिस्टेंस। ये ट्रांजिस्टर वन, ये सेकेंड ट्रांजिस्टर है 548 369। अब इसमें हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये रेड वायर प्लस है, ग्रीन वायर माइनस है, ये 9 वोल्ट की बैटरी। ये जोड़ दी। अब जोड़ने के बाद ये दोनों वायर हमारे छत के ऊपर चले जाएंगे। जैसे ही वहाँ पर बारिश होगी तो बारिश कुछ इस तरह होगी जैसे कि इस बोट में पानी है और इस पानी में जैसे ही मैं ये वायर डालूँगा आप एक बीप सुनेंगे। इस तरह ये बीप, कोई जरूरी नहीं है पूरा पानी होने पर ही बजेगी, अगर कुछ कुछ नमी भी ऊपर आ जाती है पानी के साथ, कुछ ही बूंदें पड़ती हैं और नमी आ जाती है तब भी ये आपको बता देगी। इस तरह ही सर्किट को कनेक्ट किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।